मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। चोले की पूजा कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे, ओ 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
पसंद से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कचरे ने, किसी के कचरे ने, सुबह ने मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। चकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ममता की क्या
प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के वो साया आंचल का वो टीका काजल का वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में वो चाहत आंखों में वो चिंता बातों में। बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ यही हरकत में पूछे मेरी माँ के घर कब आओगे के घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। संदेश से आते तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। उसे उसके बेटे का नाम दे से उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा मैं एक दिन
गणतंत्र दिवस हमारे देश की एक राष्ट्रीय पर्व के दिवस में मनाया जाता है। निश्चित रूप से हम सब को इसको नहीं भूलनी चाहिए और मनानी चाहिए। गणतंत्र दिवस में मैं तमाम भारतवासी को कहना चाहता हूँ, हमारे संविधान, हमारे जो देश के लिए जो नियम कानून बना उसके अनुरूप हम सभी को उसको मानना चाहिए और उसी को फॉलो करके उसका अनुसरण करनी चाहिए। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे घाटसिला अनुमंडल वासी को हार्दिक शुभकामना जताता हूँ। आपका चैनल के माध्यम से संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर परिवार की ओर से 75th रिपब्लिक डे इस शुभ अवसर पर घाटसिला झारखंड तथा समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बधाई इसलिए क्योंकि हम गणतंत्र का 75 साल पूरा किए हैं और देशवासी के लिए, आम नागरिक के लिए संदेश है मेरा, आप अपने लिए जैसे सोचते हैं आप अपना समाज के लिए सोचिए, देश के लिए सोचिए और एक विकसित प्रोग्रेसिव डेवलप्ड कंट्री डिजिटल इंडिया के लिए आप एक साथ एकजुट होकर देश के तरक्की के लिए सोचे। जय हिंद, जय भारत। Of the 75th Republic Day of our country, I, Sister Arna, principal of St. Joseph's Convent High School, Kashida, feel proud of my loving country and its constitution. I would like to congratulate the entire inhabitants of my country. I am thankful and congratulate our government for taking our country to a new height in all aspects. And all the best, Jai Hind. मैं डॉक्टर नितिन रानी मिली पारा मेडिकल कॉलेज बालोडी घाटसिला जमशेदपुर से सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पारा मेडिकल कॉलेज कॉलेज है, इस कॉलेज में ड्रेसर, डीएमएलटी और डिप्लोमा इन ऑपरेशन टेक्नीशियन की पढ़ाई होती है। अभी बहुत सारे पर्व हैं, पुरुषों गणतंत्र दिवस, इन सब पर्व के उपलक्ष्य पर इस कॉलेज के तरफ से सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क एडमिशन की सुविधा दे रही है। इस कॉलेज में सभी बच्चों को ई कल्याण से छात्रवृत्ति की भी सुविधा है। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड की योजना भी दी जा रही है, इससे बच्चे जो है लाभ उठाएं। और इसका अनुमंडल अस्पताल घाटसिला में ट्रेनिंग भी होती है और सभी बच्चे अभी पिछले बैच के बच्चे भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर कम फीस में एडमिशन लें और अच्छे कोर्स को पाएं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर घाटसिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अरवान एडमिट स्कूल परिवार की ओर से हमारे पूरे घाटसिला अनुमंडल वासियों को 75वां गणतंत्र दिवस 2024 की संपूर्ण देशवासियों के साथ साथ घाटसिला विधानसभा वासियों को भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि ये गणतंत्र दिवस के दिन हम सब संकल्प लें कि हम देश का संविधान के प्रति अपना निष्ठा निभाएंगे और देशवासियों के उन्नति के लिए, इस भारत देश की उन्नति के लिए हम लोग सभी समर्पित रहेंगे। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं अभी सभी भारतवासियों को जय हिंद, जय भारत और 75वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सारे भारतवासियों को और साथ में घाटसिला वासियों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। नमस्कार, मैं आरती गुप्ता, महिला समिति का अध्यक्ष। गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी महिला समिति को, जितना भी ऑल मेंबर को और पूरा घाटसिला वासियों को हम गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामना देते हैं।
धारचूला के विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ 75वें गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य समारोह राज स्टेट मैदान में आयोजन किया गया, जहां एसडीओ सत्यवीर रजक ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर सलामी दी। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट किया। मार्च पास्ट का निरीक्षण एसडीओ सत्यवीर रजक तथा प्रशिक्षु डीएसपी रोहित कुमार शाह ने किया। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने परेड में भाग लिया। इस अवसर पर कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक व खेल कूद कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अनुमंडल स्तरीय समारोह में परेड का प्रदर्शन एवं झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इसके पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा परेड और सांस्कृतिक व खेल कूद कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत कर हौसला अफजाई की। इस मौके पर घाटसिला अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक ने संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों की कुर्बानियों के कारण हमें आजादी मिली। स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए राज्य एवं अनुमंडल वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित होकर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचा रही है। इस मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी अमन कुमार, बीडीओ सह प्रभारी अंचल यूनिका शर्मा, घाटसिला थाना प्रभारी विमल किंडो, माऊ भंडार ओपी प्रभारी रोहित कुमार, जिला पार्षद दिव्यानी मुर्मू, प्रखंड प्रमुख सुशीला टुड्डू समेत अन्य लोग मौजूद थे। घाटसिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। सोहन भाजपा के नेतृत्व में एनसीसी एसएनएसडीएम मंच की ओर आती हुई बगल में महिला स्कूल महेश कुमार मुर्मू के ठीक पीछे इरवाइन स्कूल सूरज हासदा गोपालपुर घाटसिला। पीडीएसएल गर्ल्स हाई स्कूल शगुप्ता साहिब के नेतृत्व में इसके ठीक पीछे लोयला स्कूल चोरा का बैंड है। लोयला स्कूल चोरा बहुत ही सुंदर आपके द्वारा इसका यह शूटिंग छठे नंबर पर केजीबीपी बाबूगढ़ जगदीश चंद्र हाई स्कूल स्नेहलता मुर्मू के नेतृत्व में जगदीश चंद्र हाई स्कूल हिंदी मध्य विद्यालय शेख अजमत सरस्वती शिशु मंदिर का बैंड सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का यह बैंड इसके ठीक पीछे सरस्वती विद्या मंदिर स्वाभिक बनर्जी सरस्वती विद्या मंदिर इसमें थोड़ा सा गैप बनाए आपस में आगा, आगा।
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर अमृत सिंह के नेतृत्व में अमृत से फिर आपको के जी बी पी राशिला पिंकी मुर्मू के नेतृत्व के जी बी पी राशिला बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली और साथ ही धन्यवाद। आप आगे बढ़े, मैं जो जिन ट्रक चालक जो ट्रक ड्राइनी और खड़े हैं उनसे निवेदन है, क्योंकि अगर सपने देखोगे तभी तो मैं पूरे होंगे, खुद पे भरोसा रखो। ऐसे ही सपने को हकीकत में बदलने चला है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। शाम के 22 अक्टूबर 2008 को श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ। हम सलाम करते हैं, सलाम इंडिया, सलाम इसरो। दक्षिणी छोर पर अपना तिरंगा लहराएगा, चंद्रमा से 2.1 किलोमीटर पहले लैंडर विक्रम से हमारा संपर्क टूट गया और शायद हम सभी का सपना था। सपना जागे चल रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा राष्ट्रीय नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ जंग की आजादी में अपना सर्व निचार करने वाले झारखंड के महान के सपूतों धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद तिलका मांझी, वीर सिद्धु कान्हू, चांद भैरव, महान ध्रुव दानव, वीर बदूर भगत भगत जत्रा टाणा भगत नीलाम्बर पीताम्बर शेख भिखारी पांडे गणपत राय शहीद विश्वासराज जैसे महान लोगों का सदा समय अर्पित करता हूँ। का परिणाम है जिन्होंने हमारे अधिकारों, न्याय और समानता की लड़ाई के लड़ी। हमारे युवाओं का इतिहास सीखना चाहिए और इसे गर्व के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज के दिन 75 साल पहले भारत ने अपना लोकतांत्रिक राजशिला रखी। भारत का संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, मेरा मानना है संविधान व्यवहारिक है, लचीला है और यह युद्धकाल और शांतिकाल दोनों में देश को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यह शब्द आज भी सच है। हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवित सांस लेने वाली इकाई है जो भारत के 140 करोड़ लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। भारत के युवा हमेशा परिवर्तन के अग्रदूत रहे हैं। आज हम
आप सभी से आग्रह करता हूँ अपने ऊर्जा और जुनून से आने वाले चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वच्छता आदि का समाधान अपने योगदान दें। जो हमारे सशस्त्र बलों में सेवा करते हैं और हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, हम उनके बलिदान और देश के प्रति समर्पण और दमन करें। मैदान पर खड़े व्यक्तियों तक सरकार की योजना के लाभ पहुंचे, इस अनुमंडल अंतर्गत मेरा पत्रवाद और वनाधिकार, ये मैं अभी तक जो है 600 लगभग आदिम जनजातियों और प्रभावित निवासी हम लोगों ने दिया है। राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रखंड अथवा चलाई जा रही आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम में लाभुकों द्वारा समर्पित आवेदनों पर तत्काल निष्पादन किया गया और कतिपय कल्याणकारी विकास योजनाओं का विवरण प्रकार है। आबू आवास योजना, ये झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है जो कच्चे घर, आवास विहीन, निराश्रित आदिम जनजाति, प्राकृतिक आपदा से शिकार परिवारों के राज्य सरकार द्वारा 2,00,000 रुपये के 3 कमरों का पक्का आवास बिल्कुल मुफ्त देने जा रही है। मध्य में 12,000 शौचालय मध्य साथ एडिशन साथ दिया जाएगा। घाटशिला मध्य से प्रखंड पूरी लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 37,742 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभी इन आवेदनों का जांच पड़ताल और सूची तैयार की जा रही है। 31 जनवरी 2024 तक यह 4 लाखों प्रथम की राशि भेज दी जाएगी। इस प्रकार राशि अलग से केवल आदिम जनजाति और प्रथम की राशि भेजी, इस प्रकार राशि अलग से विरोह परिवार पीएम जनपद आवास योजना अनुमत कराई जाएगी। साथ ही बुजुर्ग क्रेडिट कार्ड, सावित्री बाई फुले किशोरी योजना, दान वितरण योजना, सोना सुगना धाती धोती साड़ी योजना, सरगम पेंशनर पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, अनेक प्रकार की योजनाएं सभी प्रखंडों में राज्य सरकार के अंतर्गत चलाई जा रही है।